मस्तिष्क के बारे में हम जो जानते हैं वह आश्चर्यजनक गति से बदल रहा है, और मस्तिष्क के बारे में हमने जो सोचा था कि हम जानते और समझते हैं उनमें से अधिकांश सत्य या अधूरा साबित होता है। इनमें से कुछ गलत फहमियां दूसरों की तुलना में अधिक स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, हम सोचते थे कि बचपन के बाद मस्तिष्क नहीं बदलता, वास्तव में नहीं बदल सकता, और यह पता चला कि सच्चाई से दूर कुछ भी नहीं हो सकता। मस्तिष्क के बारे में एक और गलत धारणा यह है कि आप किसी भी समय इसके केवल कुछ हिस्सों का उपयोग करते हैं, और जब आप कुछ नहीं करते हैं तो यह शांत रहता है। खैर, यह भी झूठ है। यह पता चला है कि जब आप आराम कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, तब भी आपका मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय होता है। तो यह MRI जैसी प्रौद्योगिकी में प्रगति है जिसने हमें ये और कई अन्य महत्वपूर्ण खोजें करने की अनुमति दी है, और शायद इन खोजों में सबसे रोमांचक, सबसे दिलचस्प और परिवर्तनकारी यह है कि हर बार जब आप कोई नया तथ्य या कौशल सीखते हैं तो आप अपना दिमाग बदल देते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो लगभग 25 साल पहले हमने सोचा था कि युवावस्था के बाद मस्तिष्क में होने वाले एकमात्र परिवर्तन नकारात्मक थे। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क कोशिकाओं की हानि, क्षति का परिणाम, स्ट्रोक जैसी, और फिर अध्ययनों से वयस्क मस्तिष्क में उल्लेखनीय मात्रा में पुनर्गठन दिखना शुरू हुआ, और आगामी शोध ने हमें दिखाया है कि हमारे सभी व्यवहार हमारे मस्तिष्क को बदल देते हैं। ये बदलाव उम्र तक सीमित नहीं है, ये एक अच्छी खबर है ना? और वास्तव में वे हर समय घटित हो रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मस्तिष्क का पुनर्गठन आपके मस्तिष्क को क्षति पहुंचने के बाद उसकी रिकवरी में मदद करता है। इनमें से प्रत्येक परिवर्तन की कुंजी न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तो यह कैसा दिखता है? तो आपका मस्तिष्क सीखने में सहायता के लिए तीन बहुत ही बुनियादी तरीकों से बदल सकता है। और पहला है केमिकल। तो आपका मस्तिष्क वास्तव में मस्तिष्क कोशिकाओं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, के बीच रासायनिक संकेतों को स्थानांतरित करके कार्य करता है, और इससे क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। इसलिए सीखने में सहायता के लिए आपका मस्तिष्क न्यूरॉन्स के बीच होने वाले इन रासायनिक संकेतों की मात्रा या सांद्रता को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह परिवर्तन तेजी से हो सकता है। यह अल्पकालिक स्मृति या मोटर कौशल के प्रदर्शन में अल्पकालिक सुधार का समर्थन करता है। सीखने में सहायता के लिए मस्तिष्क को बदलने का दूसरा तरीका इसकी संरचना में परिवर्तन करना है। इसलिए सीखने के दौरान मस्तिष्क न्यूरॉन्स के बीच संबंध बदल सकता है। यहाँ मस्तिष्क की भौतिक संरचना वास्तव में बदल रही है, इसलिए इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है। इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घकालिक स्मृति, मोटर कौशल में दीर्घकालिक सुधार से संबंधित हैं। ये प्रक्रियाएं परस्पर क्रिया करती हैं, और मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं कि कैसे। हम सभी ने एक नया मोटर कौशल सीखने की कोशिश की है, शायद पियानो बजाना, शायद हथकंडा सीखना। आपको अभ्यास के एक ही सत्र में बेहतर से बेहतर होने का अनुभव है, और आप सोचते हैं कि मुझे यह मिल गया है, और फिर हो सकता है कि आप अगले दिन लौट आएं और पिछले दिन के सभी सुधार खो जाएं। क्या हुआ? खैर, अल्पावधि में आपका मस्तिष्क आपके न्यूरॉन्स के बीच रासायनिक सिग्नलिंग को बढ़ाने में सक्षम था, लेकिन किसी कारण से उन परिवर्तनों ने उन संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रेरित नहीं किया जो दीर्घकालिक स्मृति का समर्थन करने के लिए आवश्यक हैं। याद रखें कि दीर्घकालिक यादों में समय लगता है, और आप अल्पावधि में जो देखते हैं वह सीखने को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ये भौतिक परिवर्तन हैं जो अब दीर्घकालिक यादों का समर्थन करने जा रहे हैं, और रासायनिक परिवर्तन हैं जो अल्पकालिक यादों का समर्थन करते हैं। संरचनात्मक परिवर्तनों से मस्तिष्क क्षेत्रों के एकीकृत नेटवर्क भी बन सकते हैं जो सीखने में सहायता के लिए एक साथ कार्य करते हैं, और वे कुछ मस्तिष्क क्षेत्रों को भी जन्म दे सकते हैं जो आपकी संरचना को बदलने या विस्तार करने के लिए बहुत विशिष्ट व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ उसके कुछ उदाहरण हैं। जो लोग ब्रेल लिपि पढ़ते हैं उनके मस्तिष्क में हाथ का संवेदी क्षेत्र हम में से उन लोगों की तुलना में बड़ा होता है जो ब्रेल नहीं पढ़ते हैं। यदि आप दाएं हाथ के हैं तो आपका प्रमुख हाथ मोटर क्षेत्र, जो आपके मस्तिष्क के बाईं ओर है, दूसरी ओर से बड़ा है।
और शोध से पता चलता है कि लंदन के टैक्सी कैब ड्राइवर, जिन्हें वास्तव में अपनी टैक्सी कैब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लंदन के मानचित्र को याद रखना पड़ता है, उनके पास स्थानिक या यादों के मानचित्रण के लिए समर्पित बड़े मस्तिष्क क्षेत्र होते हैं। सीखने में सहायता के लिए आपका मस्तिष्क जिस आखिरी तरीके को बदल सकता है, वह है इसके कार्य में परिवर्तन करना। जैसे जैसे आप मस्तिष्क क्षेत्र का उपयोग करते हैं, यह अधिक से अधिक उत्तेजित हो जाता है और दोबारा उपयोग में आसान हो जाता है। और चूंकि आपके मस्तिष्क में ये क्षेत्र हैं जो उनकी उत्तेजना को बढ़ाते हैं, मस्तिष्क बदलता है कि वे कैसे और कब सक्रिय होते हैं। सीखने के साथ हम देखते हैं कि मस्तिष्क गतिविधि के पूरे नेटवर्क बदल रहे हैं और बदल रहे हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को रासायनिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तनों द्वारा समर्थित किया जाता है और ये पूरे मस्तिष्क में हो रहे हैं। वे एक या दूसरे से अलग थलग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर वे संगीत कार्यक्रम में होते हैं। साथ में वे सीखने का समर्थन करते हैं और वे हर समय घटित हो रहे हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपका मस्तिष्क कितना अद्भुत न्यूरोप्लास्टिक है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे आसानी से क्यों नहीं सीख सकते? हमारे बच्चे कभी कभी स्कूल में असफल क्यों हो जाते हैं? उम्र बढ़ने के साथ हम चीजें क्यों भूलने लगते हैं? और लोग मस्तिष्क क्षति से पूरी तरह ठीक क्यों नहीं हो पाते? अर्थात वह क्या है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को सीमित और सुगम बनाता है? और इसलिए मैं यही पढ़ता हूँ। मैं विशेष रूप से अध्ययन करता हूँ कि यह स्ट्रोक से उबरने से कैसे संबंधित है। हाल ही में स्ट्रोक संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण होने से घटकर मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण बन गया है। बड़ी खुशखबरी है ना? लेकिन वास्तव में यह पता चला है कि स्ट्रोक से पीड़ित लोगों की संख्या में गिरावट नहीं हुई है। गंभीर आघात के बाद लोगों को जीवित रखने में हम बेहतर हैं। मस्तिष्क को स्ट्रोक से उबरने में मदद करना बहुत मुश्किल हो जाता है और स्पष्ट रूप से हम प्रभावी पुनर्वास हस्तक्षेप विकसित करने में विफल रहे हैं। इसका शुद्ध परिणाम यह है कि स्ट्रोक दुनिया में वयस्कों में दीर्घकालिक विकलांगता का प्रमुख कारण है। स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति कम उम्र के होते हैं और उस विकलांगता के साथ लंबे समय तक जीवित रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। और मेरे समूह के शोध से वास्तव में पता चलता है कि स्ट्रोक से पीड़ित कनाडाई लोगों के जीवन की स्वास्थ्य संबंधी गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो स्पष्ट रूप से हमें लोगों को स्ट्रोक से उबरने में बेहतर मदद करने की आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है और हम इसका समाधान नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, आपके मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिक परिवर्तन का सबसे अच्छा चालक आपका व्यवहार है। समस्या यह है कि व्यवहार की खुराक, नए सीखने और पुराने मोटर कौशल को फिर से सीखने के लिए आवश्यक अभ्यास की खुराक बहुत बड़ी है। और अभ्यास की इन बड़ी खुराकों को प्रभावी ढंग से कैसे वितरित किया जाए, यह एक बहुत कठिन समस्या है। यह भी एक बहुत महंगी समस्या है। इसलिए मेरे शोध ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह ऐसी चिकित्सा विकसित करना है जो मस्तिष्क को सीखने के लिए तैयार करे। और इनमें मस्तिष्क सिमुलेशन, व्यायाम और रोबोटिक्स शामिल हैं। लेकिन अपने शोध के माध्यम से मुझे एहसास हुआ कि स्ट्रोक से तेजी से रिकवरी करने वाली थेरेपी के विकास में एक बड़ी सीमा यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के पैटर्न व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। एक शोधकर्ता के रूप में परिवर्तनशीलता मुझे पागल कर देती थी। इससे आपके डेटा और आपके विचारों का परीक्षण करने के लिए आंकड़ों का उपयोग करना बहुत कठिन हो जाता है। और इस वजह से चिकित्सा हस्तक्षेप अध्ययन विशेष रूप से परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन मेरे शोध में यह वास्तव में स्पष्ट हो रहा है कि हमारे द्वारा एकत्र किया गया सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जानकारीपूर्ण डेटा इस परिवर्तनशीलता को दिखा रहा है। इसलिए स्ट्रोक के बाद मस्तिष्क का अध्ययन करके हमने बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि ये सबक अन्य क्षेत्रों में बहुत मूल्यवान है। पहला सबक यह है कि आपके मस्तिष्क में परिवर्तन का प्राथमिक चालक आपका व्यवहार है, इसलिए ऐसी कोई न्यूरोप्लास्टिसिटी दवा नहीं है जिसे आप ले सकते हैं। आपको सीखने में मदद करने के लिए अभ्यास से अधिक प्रभावी कुछ भी नहीं है। और मुख्य बात यह है कि आपको काम करना होगा। और वास्तव में मेरे शोध ने बढ़ी हुई कठिनाई, बढ़े हुए संघर्ष को दिखाया है।
यदि आप अभ्यास के दौरान वास्तव में अधिक सीखने और मस्तिष्क में अधिक संरचनात्मक परिवर्तन दोनों की ओर ले जाते हैं। यहां समस्या यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी दोनों तरीकों से काम कर सकती है। यह सकारात्मक हो सकता है, आप कुछ नया सीखते हैं और आप मोटर कौशल को निखारते हैं, और यह नकारात्मक भी हो सकता है, आप कुछ ऐसा भूल गए हैं जो आप जानते थे, आप नशीली दवाओं के आदि हो गए हैं, हो सकता है कि आपको पुराना दर्द हो, तो आपका मस्तिष्क अत्यधिक प्लास्टिक है और यह संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम से आकार लेता है, लेकिन उन सभी चीजों से भी जो आप नहीं करते हैं। मस्तिष्क के बारे में हमने जो दूसरा सबक सीखा है वह यह है कि सीखने के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए सीखने का कोई नुस्खा नहीं है। इस लोकप्रिय धारणा पर विचार करें कि किसी नए मोटर कौशल को सीखने और उसमें महारत हासिल करने के लिए 10,000 घंटे का अभ्यास करना पड़ता है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह इतना आसान नहीं है। हम में से कुछ के लिए इसमें बहुत अधिक अभ्यास लगेगा और दूसरों के लिए इसमें बहुत कम समय लगेगा। इसलिए हमारे प्लास्टिक मस्तिष्क का आकार इतना अनोखा है कि इसमें कोई एक हस्तक्षेप नहीं हो सकता जो हम सभी के लिए काम करेगा। इस एहसास ने हमें व्यक्तिगत चिकित्सा नामक किसी चीज पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। यह विचार है कि परिणामों को अनुकूलित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, और यह विचार वास्तव में कैंसर के उपचार से आता है। और यहां यह पता चला है कि कैंसर के विशिष्ट रूपों के साथ कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी के मिलान में आनुवंशिकी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा शोध बता रहा है कि यह बात स्ट्रोक से उभरने पर भी लागू होती है। मस्तिष्क की संरचना और कार्य की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम बायोमार्कर कहते हैं, और ये बायोमार्कर बहुत मददगार साबित हो रहे हैं और हमें व्यक्तिगत रोगियों के साथ विशिष्ट उपचारों का मिलान करने में मदद कर रहे हैं। मेरी लैब के डेटा से पता चलता है कि यह बायोमार्कर का एक संयोजन है जो स्ट्रोक के बाद न्यूरोप्लास्टिक परिवर्तन और रिकवरी के पैटर्न की सबसे अच्छी भविष्यवाणी करता है। और यह आश्चर्य की बात नहीं है यह देखते हुए कि मानव मस्तिष्क कितना जटिल है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि हम इस अवधारणा पर अधिक व्यापक रूप से विचार कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक के मस्तिष्क की अनूठी संरचना और कार्य को देखते हुए स्ट्रोक के बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में हमने जो सीखा है वह हर किसी पर लागू होता है। आप अपने दैनिक जीवन में जो व्यवहार अपनाते हैं वे महत्वपूर्ण हैं। उनमें से प्रत्येक आपके मस्तिष्क को बदल रहा है, और मेरा मानना है कि हमें न केवल वैयक्तिकृत चिकित्सा बल्कि वैयक्तिकृत शिक्षण पर भी विचार करना होगा। आपके मस्तिष्क की विशिष्टता आपको एक शिक्षार्थी और एक शिक्षक दोनों के रूप में प्रभावित करेगी। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ बच्चे पारंपरिक शिक्षा परिवेश में आगे बढ़ सकते हैं और अन्य नहीं, क्यों हम में से कुछ लोग भाषाएं आसानी से सीख सकते हैं और फिर भी अन्य कोई भी खेल चुन सकते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब आप आज इस कमरे से बाहर निकलेंगे तो आपका मस्तिष्क वैसा नहीं होगा जैसा कि आप आज सुबह प्रवेश करते समय थे, और मुझे लगता है कि यह बहुत आश्चर्यजनक है, लेकिन आप में से प्रत्येक ने अपना मस्तिष्क अलग अलग तरीके से बदला होगा। इन अंतरों, इन व्यक्तिगत पैटर्नों, इस परिवर्तनशीलता और परिवर्तन को समझने से तंत्रिका विज्ञान में अगली बड़ी प्रगति संभव हो सकेगी। यह हमें नए और अधिक प्रभावी हस्तक्षेप विकसित करने की अनुमति देगा, और शिक्षार्थियों और शिक्षकों और रोगियों और हस्तक्षेपों के बीच मेल की अनुमति देगा। और यह केवल स्ट्रोक से उबरने पर लागू नहीं होता है, यह हम में से प्रत्येक पर लागू होता है, एक माता पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में। तो आपके लिए संगीत सीखना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन स्नोबोर्ड सीखना बहुत कठिन है। मुझे आशा है कि आप आज इस बात की नई सराहना के साथ जाएंगे कि आपका मस्तिष्क कितना शानदार है। आप और आपका प्लास्टिक मस्तिष्क लगातार आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहे हैं। समझें कि आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी आप सामना करते हैं और जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं वह आपके मस्तिष्क को बदल रहा है, और यह बेहतरी के लिए भी हो सकता है, लेकिन यह बदतर के लिए भी हो सकता है। इसलिए जब आप आज निकलें तो बाहर जाएं
और अपना मनचाहा मस्तिष्क बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब सनातन आर्यावर्त। हर हर महादेव।